हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेज एंड नॉनवेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चाइनीज सूपी मैगी। मैगी को फ्रेंड बहुत तरीके से बनाई जाती है, तो आज हम चाइनीज तरीके से मैगी बनाएंगे, तो एक बार आप इसे भी ट्राई करें। लेकिन जिन्हें मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है खाना, उन्हें तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आइए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं और जान लेते हैं इसे कुछ इन्ग्रीडियंट्स के बारे में। चाइनीज सूपी मैगी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे मैगी नूडल्स, आप कोई सा भी नूडल्स ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सब्जियों को लेंगे, जिसमें से एक गाजर को हमने इस तरह से पतला पतला लंबा काट लिया है। एक मैगी टेस्ट मेकर लेंगे और चार पांच लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक काट लेंगे। अदरक को भी थोड़ा सा लेकर काट लेंगे बारीक बारीक। दो तीन हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे। एक छोटे साइज के प्याज को भी इस तरह से बारीक चॉप कर लेंगे। और एक टमाटर लेंगे, एक टमाटर को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और शिमला मिर्च लेंगे एक, उसको हमने इस तरह से लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है। और यहाँ लेंगे सिरका दो चम्मच, कॉर्नफ्लावर लेंगे एक चम्मच, और यहाँ पर लेंगे ग्रीन चिली सॉस एक चम्मच, डार्क सोया सॉस दो चम्मच, नमक एक चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार, टोमेटो केचप एक या दो चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, या तो फिर मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। यहाँ पर रेड चिली सॉस लेंगे एक चम्मच। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया हुआ है, उसमें डालेंगे चार से पाँच चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च कटे हुए। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। जब ये हल्की सी भून जाएंगे, एक मिनट बाद हम प्याज को डाल देंगे और साथ में डाल देंगे गाजर और शिमला मिर्च को। सभी को साथ में हम भून लेंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पर कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। देखिए इतना इसको पकाना है, बस हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। सब्जी अभी कच्ची रहेंगी, बाद में थोड़ी सी पक जाएंगी। तो अब इसमें डाल लेंगे हम टमाटर को। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा पका लेंगे, लगभग एक से डेढ़ मिनट तक। अब यहाँ पर टमाटर भी हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। आप डालेंगे कुछ मसालों को, तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च पाउडर और नमक को डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ डालेंगे पानी, क्योंकि चाइनीज सूपी मैगी है तो पानी इसमें थोड़ा सा अधिक रहेगा। तो यहाँ पर हमने पहले दो गिलास पानी का यूज किया है। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे और उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें उबाल आने लगा है, तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे और जो मैगी टेस्ट मेकर है उसे डाल देंगे एक पैकेट। अब इसको भी थोड़े से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अच्छा से उबाल आने लगा है। अब इसमें डालेंगे मैगी नूडल्स को, तो बिना तोड़े ही इसे डालना है, तोड़ करके नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके इसको नहीं चलाना है, ये पानी में जाते ही अपने आप सभी अलग हो जाएंगे। ये इस तरह से अलर्ट पलट देंगे, बस हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पहले से थोड़े से मैगी बचे हुए हैं, तो उसको भी इसी के साथ हम पका लेते हैं। अब इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने अलग से थोड़ा सा और नूडल्स को डाला है, तो पानी भी थोड़ा और डालेंगे, एक गिलास पानी का और हम यूज करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और हाँ, ढक्कन को बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इसको ढक करके नहीं पकाना है, ऐसे ही खुले में ही पकाना है। आप अगर चाहें फ्रेंड तो सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े करके भी पका सकते हैं। अब इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस, टोमेटो केचप, और हमने अलग से नूडल्स को डाला है तो सभी की थोड़ी थोड़ी मात्रा को और हम बढ़ा लेंगे। अब इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में विनेगर को भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से पकने तक पका लेना है। बिना ढक्कन लगाए इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और इसमें का पानी कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सूपी मैगी है तो इसमें पानी के साथ ही मैगी को खाना है, उस तरह ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और जब तक मैगी पक रही है, यहाँ पर हम कॉर्नफ्लावर को घोल लेते हैं पानी से और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुठलियाँ ख़त्म होने तक। अब कॉर्नफ्लावर को भी हमने घोल कर तैयार कर लिया है और इधर मैगी भी बन करके तैयार है। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर को जो हमने घोल कर तैयार किया है। तो इसको डालने से पहले इस तरह थोड़ा सा चम्मच से मिक्स कर लेंगे और मैगी में डाल देंगे। मिक्स करने के बाद इसको एक दो उबाल आने तक बस पका लेना है।
ताकि कॉर्नफ्लावर भी अच्छे से पक जाए और इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैगी तो बहुत तरह से बनाई जाती है, आप तरह तरह से मैगी को बना के खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है चाइनीज़ सूपी मैगी। इसकी ग्रेवी देखिए फ्रेंड्स, इसका सूप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कितनी चमक भी आ गई है इसमें कॉर्नफ्लावर की वजह से। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो भी तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।